फिर तो मुझी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल श्वेता इन सभी आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज मैं फतेहाबाद की लोकेशन पर आ चुकी हूँ। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सुंदर, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कलाकृतियाँ वगैरह, कलर्सफुल पूरा मतलब बनाया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। आगे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कुछ है। हर रूम के आगे दीवारों पर डेकोरेशन की गई है, फूल वगैरह सब कुछ बनाया गया है। और साइड में देखिए रेड कलर के फ्लावर रखे हुए हैं। आइए हम इसके अंदर से देखते हैं। ये देखिए, हम इसके अंदर आ गए हैं और ये जो ईंटें वगैरह इस पे ग्रीन कलर किया गया है, ये छत है। और ये आप देख सकते हैं, चारों साइडों से मैं आपको दिखा देती हूँ, ईंटों से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं ईंटें, ये देखिए छत। तो और ये देखिए, मैं दीवारों पर जो डेकोरेशन की गई है वो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, छोटी छोटी मतलब जो हम कह देते हैं बनाई हुई है यहाँ पर। और ये देखिए साइड में, और इधर आप देख सकते हैं साइड में ये संदूक रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखिए संदूक, इस पे भी डेकोरेशन की गई है जो काफी सुंदर लग रहा है देखने में, ब्राउन कलर का। और ये इधर पेंटिंग्स की गई है जो भी बहुत मतलब ब्यूटीफुल लग रही है। ये देखिए पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही है। और आइए आगे चलते हैं। दीवारों पर इधर बैक साइड भी पेंटिंग की गई है, ये मेन गेट है जिससे एंट्री होती है। और ये देखिए चरखे हैं जो इस पे भी कलर किया हुआ है। इधर ये मोर वगैरह बनाए हुए हैं दीवारों पर। और ये देखिए ये कुआं है, आप देख सकते हैं ये कुआं बनाया हुआ है यहाँ पर। और आइए इसके ऊपर चलते हैं, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, चलो देखते हैं चल के। ये देखिए कुआं है। और आइए हम इसको अंदर से भी देखते हैं कुएं को। साइडों में छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं और देखिए कुएं के अंदर पानी भी है। और इधर शायद कोई रस्सी भी खींच रहा है। ये दीवारों पर अलग अलग टाइप की इधर पेंटिंग की गई है जो काफी सुंदर लग रही है। और ये आप दोबारा से देख सकते हैं फुल सीन, ये देखिए देख सकते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा बाकी।
ये देखिए कितने सुंदर रंग बिरंगे मटके सजाए गए हैं, जो कि दूर से देखने पर काफी सुंदर लगते हैं। और साइडों में जो ये मोर वगैरह बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं इधर कलर्सफुल छोटी छोटी बूटियां, जो कि काफी देखने में प्रभावित कर रही हैं। पूरी बैग हो जाए, माफी क्रॉप कर दो। सही तरह बैठा है। अंधेरा छोड़, उधर से खोला। अश्विन अश्विन साइड हो जाओ ना। बस। अब है नहीं। दिन का दे दो। ये वीडियो क्या सकता है? अश्विन इधर आओ। आ जा। अश्विन, जल्दी हम जाते हैं। दो मिनट हुआ से। अच्छा। ये इधर दूसरा गेट है और इधर गेट। कुछ बैठा तो नहीं मिला। देख लेना। बताओ कोच कैसे है? कैमरे वाले बस से बना दो फिर। दीवार पे आप इधर देख सकते हैं कबूतर, और ये देखिए डेकोरेशन की हुई है, और ये देखिए रंग बिरंगी ईंटें हैं, कलरफुल ईंटें हैं। ये आप देख सकते हैं दीवार के पीछे कुछ नहीं है, खाली खेत दिख रहा है। और इधर आप साइड में देख सकते हैं ये पुराना जो वो कहते हैं ये पुराना है। और इधर
वो देखिए सामने पुराना टीवी भी रखा हुआ है और इधर साइड में भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर किया हुआ है डेकोरेशन। नहीं मेकअप रुक जा ओए हां छोड़ दे उसको एक मिनट है हां भाई इधर आ जी पे ये हम दूसरी साइड आ चुके हैं जो यहाँ पर शूट वगैरह होते हैं प्री वेडिंग शूट होती है। यहाँ पे साइड देख सकते हैं कि ये गोवा बीच है। जब मतलब आप यहाँ पे पिक्स वगैरह खिंचवाओगे तो लगेगा जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ये देखिए आप साइड में देख सकते हैं और ये जो फ्रेम वगैरह है जिसमें आप फोटो क्लिक होगी, ये साइड में वही उसी साइड में फ्लावर्स हैं जो आप देख सकते हैं वाइट रेड और ये ईंटों पर ब्लू कलर है, इधर भी ब्लू कलर है और ये टेबल और चेयर है। आजा अर्चित मेरे पास आजा फोटो खींचो तेरी आने बुकी लोकेशन पर प्री वेडिंग सॉन्ग वगैरह अक्सर शूट होते हैं और आज जब मैं आई हूँ तब भी शूट कपल्स वगैरह आते हैं यहाँ पे प्री वेडिंग शूटिंग होती है शूट होता है। आप भी आ सकते हैं अपने पिक्स वगैरह यहाँ पे शूट करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने मतलब ये जो यहाँ पे बनाया गया है कितना खूबसूरत लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। एंड ये आप देख सकते हैं ये एक कार है, यहाँ पे पोल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, इसमें बैठकर आप जैसा भी आपका मन करता है आप वैसे पोल्स बना सकते हैं। यहाँ पर कैमरामैन भी है यहाँ पे साथ में, आप उनसे बोलकर अपने पिक्स वगैरह करवा सकते हैं। एंड और भी आइए आगे चलते हैं, जो सामने आप पूरा ग्राउंड में देख सकते हैं कि इधर फ्लावर्स वगैरह जो लगे हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये दीवारें कितनी खूबसूरत है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है देख सकते हैं आप, सिर्फ बाहर से ही मतलब अंदर आप देख सकते हैं कि सामान वगैरह बिखरा पड़ा है जो भी होता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये पत्ते वगैरह वाइट कलर के, और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर। एंड मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ ज़ूम करके, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं येलो फ्लावर। मतलब यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए अगर ये ना हो तो ये इतना खूबसूरत ना लगे। फूल वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ का नज़ारा अलग ही होता है, इनका होना तो ज़रूर बनता ही है।
देख सकते हैं आप यहाँ की लोकेशन, वो सामने आप गोवा बीच देख सकते हैं, यहाँ भी आप तो फॉल्स वगैरह बनवा सकते हैं। आपको फिर से जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर ये टेबल चेयर वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर भी काफी अच्छा आप देख सकते हैं। इस पे इसका जो कलर है ये भी देखो नहीं छूट रहा, मतलब इसका कलर भी जो है वो डार्क है और कुछ कहा नहीं जा सकता है यहाँ पे। और बन सकता है ये देख सकते हैं आप नजारा पूरा, मतलब क्या। कह सकते हैं नजारे या पूरा देखो तो ये टेबल और कुर्सी है एंड अश्विन इधर आना ठीक है। ये अब एंड में हम चलते हैं इनकी छतों पर और ये सीढ़ियां हैं, चलो चलते हैं। ये साइड में मटके रखे हुए हैं कलरफुल और ये देखिए मैं ऊपर आ चुकी हूँ। अब यहाँ से पूरा लोकेशन का नज़ारा हम देख सकते हैं कैसा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, सब कुछ दिख रहा है दूर आप देख सकते हैं सब कुछ। और इधर साइड में खेत हैं, चारों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली है, खेत हैं जब हम इसकी छत पर से देखेंगे तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा, हरियाली ही हरियाली। और यहाँ की छत कच्ची है और ये बारिश के कारण इस पे घास वगैरह भी आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं साइड में ये ईंटों से बना है। और ये एंड में मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर घूमकर बहुत काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी कुछ देखा, अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आया। तो आप भी यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ का नज़ारा, फतेहाबाद की लोकेशन एलिस अदर में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही लेकर आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।